आप लोग देख सकते हैं उधर उस रास्ते से मैं ऊपर चढ़ा था, अब दूसरी रास्ते से मैं नीचे उतर रहा हूँ। अब नीचे वाले रास्ते की तरफ से जाऊँगा और ऊपर से अभी आप लोगों ने देखा वहाँ पे कुछ पूजा करने वाला सामान रखा गया था और वहाँ पे जल रहा था कुछ। चलिए वहीं पे आप लोगों को दिखलाता हूँ क्या है वहाँ पे, देखते रहिए। तो नीचे आ चुका हूँ, अब नीचे इस रास्ते जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चेकिंग भी हो रहा है, ये सारे पत्थर हैं इसमें पैक हो गया है। इधर कुछ पुलिस भी हैं जो देख रेख के लिए यहीं पर हैं और बारिश शुरू हो चुका है तो चलते हैं, छुप जाता हूँ यहीं पे। नीचे जो जाने का रास्ता है यहीं पे छुपना पड़ेगा, नहीं तो बारिश काफ़ी तेज़ हो जाएगी तो भीग जाऊँगा। यहाँ पे सबसे अधिक विदेशी और टूरिस्ट और कपल्स लोग यहाँ पे आते हैं। तो इधर मैं अंदर आ गया, तो जिस रास्ते से जाना चाहूँ इस रास्ते से जा सकता हूँ और इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, दोनों तरफ से रास्ता है जाने के लिए, तो किसी भी रास्ते से जा सकते हो। तो घूमने के लिए इधर घूम सकते हैं, इधर तो उधर ही बना गया है ये जो अंदर का रास्ता है जाने के लिए, यही रास्ता है और उधर से भी है रास्ता जो आप लोगों को पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। हम लोग इस रास्ते से आए हैं तो अंदर जा नहीं सकते क्योंकि इस रास्ते से जाने का लिए मना है, तो उस रास्ते से अंदर जा सकते हैं। तो अभी ने आपने ऊपर से देखा होगा कि उसमें कुछ पूजा करने का सामान रखा हुआ था और पिछले वाली वीडियो भी आप लोग देख लिए होंगे। अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी वो भी अच्छी बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि वीडियो काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं बाहर निकल आया हूँ, पीछे बाहर निकलने का रास्ता जो मैं अभी गया था, और इधर पानी है और जो आप लोग को दिखाई दे रहा है टोटी की तरह उसमें से फुहारे निकलते हैं पानी के, तो चारों तरफ गार्डन है काफ़ी खूबसूरत है। तो रास्ता यही ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए ये ऐसे ही घुमावदार बनाया गया है
और फूल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, इसमें एकदम हरे भरे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, देखने वाले हैं, आप भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो हम लोग इसी से आए हैं। और ये नीचे जाने का रास्ता है, जिसमें वो आप लोग अभी देखे हैं, जिसमें पूजा वाला सामान था, तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से आप लोग नीचे देख सकते हैं, ऊपर मैं चला आया हूँ और ये फूल पौधे चारों तरफ आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है और अच्छा भी है। ये रास्ता जो है, ये ऊपर चारों तरफ ग्राउंड की तरह बनाया गया है, और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं वो रास्ता आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा। इधर दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, एक तरफ से आने का रास्ता है, दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है, तो दोनों तरफ से आप लोग आ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, घूमने का भी जगह है ये, तो यहाँ आप आ सकते हैं। राजघाट है, दिल्ली में पड़ता है, किसी से भी पूछ सकते हैं, दिल्ली आकर स्टेशन पर किसी से भी पूछ सकते हैं, तो कोई भी बता सकता है, तो यहाँ आ सकते हैं। तो चारों तरफ बनाया गया है ऐसे ही, एक रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे, दूसरे रास्ते से उतर सकते हैं नीचे, और ये दिखाई दे रहा है रास्ता, तो इस रास्ते से उतर सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। नीचे भी जाने के लिए रास्ता उधर ही से भी है, तो चारों तरफ बनाया है, तो चारों तरफ घूम सकते हैं आप। और उसमें काफ़ी खूबसूरत सूरत फूल हैं और अच्छे अच्छे मूर्ति बनाई गई हैं देखने के लिए, और काफ़ी नज़ारा खूबसूरत है। और रात में भी आ सकते हैं देखने के लिए, लेकिन रात में उतना खुला नहीं रहता है, लाइट का भी व्यवस्था यहाँ पे, रात में तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे, नीचे की तरफ। इधर भी वह छोटा सा आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, उसमें भी पत्थर रखे गए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत है। और आप सामने गेट दिख रहा होगा, तो गेट है तो वो इस समय भी बंद है, और मेन गेट खुला है, ये गेट अभी बंद है। और इधर चारों तरफ आप लोग ग्राउंड देख ही सकते हैं, कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे इस समय अभी चेकिंग चल रही है, तो बैग अगर लाए हैं तो बैग को भी वहीं पे छोड़ देना पड़ेगा, चेकिंग होगा वहाँ पे छोड़ देंगे, और कीमती सामान अपने पास ही लेकर जाएंगे। और बैग में बैग कुछ आप नहीं ले जा सकते, उधर काफ़ी सख्त चेकिंग हो रही है यहाँ पे। तो इस रास्ते से नीचे जा सकते हैं, जो ऊपर चढ़कर जो नीचे आप लोग देखे हैं वो नीचे आ सकते हैं। और उधर सब गार्डन है, काफ़ी बागीचे की तरह है, पार्क भी है, और ये काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो आगे उधर भी चलेंगे, आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बताइए वीडियो कैसा है। पीछे उस रास्ते से मैं घूमकर चला आया हूँ चारों तरफ, और ये दूसरे साइड से है, इसके बगल में है रास्ता जो मेन गेट से बाहर जाता है। और चारों तरफ देख सकते हैं कितना अच्छा है, और फूल भी लगे हुए हैं, पार्क है। तो इसमें कुछ लोग आए हैं यहाँ से, ये गेट का रास्ता निकलने के लिए, और ये घुमादार बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। और मेन गेट ये रहा, इधर से आप लोग निकल सकते हैं, और ये गेट है अंदर जाने के लिए, और ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए, उधर से आप लोग जा सकते हैं।
उधर कुछ लोग उस पर खड़े हुए हैं और ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो मैं उधर घूमकर चला आया हूँ, आप लोग भी देख लिए हैं कैसा है वीडियो, बताइएगा कमेंट करके। अब चलते हैं दूसरी तरफ, उस तरफ देखते हैं क्या है। तो इधर काफ़ी खूबसूरत है और इस पेड़ों पर सबसे ज़्यादा गिलहरियाँ रहती हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी राजघाट में ही चौधरी चरण सिंह का भी समाधि है, पीछे है वो, उधर नहीं जा पाया हूँ, आगे चलते हैं। तो ये पीछे गेट है, तो इस तरफ से आप लोग पूरा देख लिए हैं। उधर से वापिस आकर इसी रास्ते से उधर वहाँ पे गेट है और पीछे गेट है जो एग्जिट भी है और एंट्री भी है, और इधर भी एक पुलिस स्टेशन भी है और पंप है, पेट्रोल पंप भी है इधर। और इधर वीरभूमि है जहाँ पे वीर शहीद हुए थे, तो उनकी समाधि बनाई गई है, इधर ही है।